साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील, कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत जिलाधिकारी व SSP ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत भारतीय संस्कृति एवं गौ सेवा संगोष्ठी पर वक्ताओं ने व्यक्त किए विचार। मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ की मंडलीय समीक्षा बैठक। एक दिवसीय किसान प्रोत्साहन कार्यशाला का उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने किया उद्घाटन। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी ने बेरोजगारों के लिए लगाए जा रहे मेगा कैंप की तैयारियों के संबंध में की समीक्षा बैठक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जंघा थाने पर पुलिस चौपाल अभियान के तहत जनता, चौकीदार व अन्य फरियादियों की सुनी समस्याएं। कलेक्शन एजेंट के आंख में मिर्ची डालकर 5,28,000 लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक नगर ने रामगढ़ताल थाने पर लगाई चौपाल, पीड़ितों, पुलिसकर्मियों सहित अन्य लोगों से किया सीधा संवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में संवाद भवन में आयोजित हुआ 4 दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम। क्षेत्राधिकारी कैंट ने दी जानकारी, कहा बीट पुलिसिंग को और बेहतर कार्य करने के लिए खोराबार थाने पर महिला व पुरुष आरक्षियों को किया जाएगा जागरूक। छात्र छात्राओं को रोजगार पर शिक्षा देने के लिए प्रवक्ताओं व अध्यापकों का 1 दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन। चौरी चौरा विधायिका ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाया। सीएमओ ने भी जानकारी, कहा जनपद को वैश्विक महामारी से मुक्त बनाए रखने के लिए विभिन्न 36 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने लंबित विवेचनाओं को जल्द निस्तारण करने के लिए दिए निर्देश। SP नॉर्थ ने पिपराइच थाने पर लगाया चौपाल, फरियादियों की सुनी समस्याएं। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के बैनर तले मुख्य अभियंता कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया उपवास अनशन। और छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दृष्टिगत जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. विपिन तांडा ने कार्यक्रम स्थल का महंत दिग्विजयनाथ पार्क का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों से तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं मौजूद समस्त कार्य संस्था के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। इस दौरान CDO इंद्रजीत सिंह, SP सिटी सोनम कुमार, CO कैंट राहुल भाटी, ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, SP ट्रैफिक RS गौतम सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। भैया
इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम स्थलों का डीएम साहब, कप्तान साहब के द्वारा निरीक्षण किया। इस समय एडीएम एफआर, एडीएम सिटी और जीडीए सेक्रेटरी, वीसी जीडीए अतिरिक्त सब लोग उपस्थित रहे और सब जगह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 52वीं पुण्यतिथि एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 7वीं पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत भारतीय संस्कृति एवं गौ सेवा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। वहीं वैदिक मंगलाचारण डॉ रंगनाथ त्रिपाठी, गोरष्टक पाठ सुजल तिवारी व गौरव तिवारी तथा संचालन डॉ श्री भगवान सिंह ने किया। इस दौरान महंत शिवनाथ जी, योगी कमलनाथ, योगी मिथिलेश नाथ, महंत गंगादास, महंत राम मिलन दास सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सुनील जी और गौरव जी, सज्जनों, भारतीय संस्कृति एवं गौ सेवा पर संकेंद्रित आज की प्रातःकालीन सत्र की संगोष्ठी और इसमें मंच पर विराजमान भारतीय मानस पर एक बहुत बड़ी विडंबना की काली छाया पिछले कई दशकों से दिखाई दे रही है कि जो पश्चिम की मुहर लग जाए वो बेहतर है। जो ये मानसिकता हमारे लिए पिछले 2-3 दशकों में पनपी है। उसके उपाध्यक्ष साहब गोविंद पधारे, उनके भी शब्दों में सुनने को मिला, ज्यादा कुछ कहते हुए जो है, जहां है, जैसा भी है, जिस परिस्थिति में है, जहां भी गौ दिखे, गौ के बछड़े दिखे, गौ का जहां भी जो भी व्यक्ति देखे, अगर किसी भी हालत में है उसकी सेवा और रक्षा निश्चित तौर पर करे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति शांति शांति। दो बार जयकारा उत्तर सोचने लगा दो। पूज्य अवैधनाथ जी महाराज की, पूज्य दिग्विजयनाथ जी महाराज की, योगी जी महाराज की, धर्म की, अधर्म का। देखो भाई, आज एकादशी तो है नहीं, आप लोग नौजवान हैं, तो हम तो कहा करते हैं हिंदू संस्कृत में हिंदू जाति तो जब तक इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है तब तक उसके अंदर चेतनता नहीं आती है। आप तो हनुमान के रूप में बैठे हैं, जयकारा उत्तर सबसे लगाओ। धर्म की, अधर्म का, मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने स्वास्थ्य विभाग की मंडलीय समीक्षा बैठक संबंधित अधिकारियों के साथ की। बैठक के दौरान मंडलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि सीएचसी, पीएचसी पर जीवन रक्षक दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाएं, ब्लड बैंक का नंबर चस्पा कराया जाए, इसके साथ ही अस्पताल की साफ सफाई, चिकित्सकों की उपस्थिति आदि की व्यवस्था समुचित ढंग से कराई जाए। इस दौरान बैठक में उप निदेशक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इश्यू ये है जो सेकेंड डोज का है, सेकेंड डोज में देवरिया अच्छा किया है, गोरखपुर भी कम है, कुशीनगर कम है और महाराजगंज सबसे कम। वो था तो कंफ्यूजन था, इस वजह से हम नहीं लगवाए होंगे। अब तो ऐसा कोई इश्यू है ही नहीं, अब तो मुझे लगता है कि सरकार में इसको हमारा डोज कुशीनगर और महाराजगंज में मंडल के एवरेज से कम है। तो कुशीनगर में 86% है, कुशीनगर के एवरेज सर। देखिए, केवल करीब 600 लोगों का बचा हुआ है आपका फर्स्ट डोज, मतलब टारगेट
के हिसाब से आपका हो गया है, एक बार चेक कर लीजिए। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में एक दिवसीय किसान प्रोत्साहन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री राम चौहान ने किया और वानिकी कृषि बारीकियों की जानकारी प्राप्त की। वहीं मुख्य अतिथि ने मंडल के 15 प्रगतिशील किसानों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। सुधाकर सिंह जी और करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्री अंजनी कुमारी श्रीवास्तव जी को, प्रबंध निदेशक। माननीय मंत्री जी का समय बहुत बहुमूल्य है, आपको लखनऊ के लिए प्रस्थान करना है। श्री जय श्रीवास्तव जी धर्मेंद्र सिंह जी पश्चात श्री वसुधा रमन दास जी गोरखपुर मंडल, फूलों के माध्यम से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। और मोहन जी के साथ ही साथ श्री अविनाश कुमार जी भी कृपया अपने स्थान से उठे और जल्दी से शीघ्रता से मंच की ओर आगमन करें। श्री मोहन जी, इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री राम चौहान ने बताया, पूर्वांचल में उद्यानी फसलें, बागवानी की फसलें प्रोत्साहित हो, जो लोग कर रहे हैं उन्हें पौने दाम पर व्यापारी ने बेचे, उनको उचित दाम मिले, अच्छा लाभ मिले, इस दिशा में ये फल सब्जी पुष्प विक्रेता से जो उत्पादन जितने हैं उत्पादक किसान उनका एक सम्मेलन है और इनसे जुड़े हुए जो तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं, कितना खाद डालें, कितना बीज डालें, उत्पादन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी यहाँ पर होगी और इससे जो है उनकी आर्थिक अवस्था ठीक होगी, लागत कम होंगे और उत्पादन ज़्यादा होंगे और इसी दिशा में जो कार्यशाला दिन भर की यहाँ पर आयोजित है। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में अप्रेंटिस से बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने के लिए 4 अक्टूबर को 600 से अधिक अप्रेंटिस बेरोजगारों को मेगा कैंप लगाने से पूर्व अब तक किए गए तैयारियों की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि अधिक से अधिक जनपद के बेरोजगार अप्रेंटिस युवकों को रोजगार देकर रोजगार परक बनाया जा सके। और इसके बाद मेरा मानना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल शासन ने किया है। 1935 सबसे पुराना अप्रेंटिसशिप एक्ट जो है हिंदुस्तान का है, लेकिन क्रियाशील नहीं हो पाया। हम लोग प्रशिक्षित करें, आप जानते हैं कि जितने भी विकसित देश है वहां पे और उसी पहल उद्यमियों से ज्यादा कौन इसे जानता है कि एक आदमी की आप हुनर क्या इम्पोर्टेंट है उसी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा द्वारा थाना जगह पर पुलिस चौपाल अभियान के तहत जनता चौकीदार व अन्य फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। साथ ही नवनिर्मित भवन रिपोर्टिंग पुलिस चौकी बरही थाना जिला जनपद गोरखपुर का तथा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। वहीं जगह थाने पर रजिस्टर बैरक मेस आदि सहित थाना परिसर की साफ सफाई करते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। पता चल
इतना कार्यवाही हम FIR कर दिया, सही है तो दे दिया, नहीं है तो बता दिया कि भाई सही नहीं है तुम्हारा मामला, इसीलिए उस आदमी के सामने ही बोला मैं कि सही नहीं है तो कोई इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। इसमें थाना जंगहा पे आज पुलिस चौपाल का आयोजन मेरे द्वारा किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 5 प्रकरण आए हैं, 5 के निस्तारण किया जा रहा है और इसमें अभी शाम तक और चलेगा, रात 11 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे, जो शिकायतें प्राप्त होगी, जो लोगों की समस्याएं होंगी सुनी जाएंगी, उनका निस्तारण का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। आज साथ ही हमने चौकी बरही थाना जंगहा का भवन का उद्घाटन किया है, जिसमें हमने एक वाहन भी उपलब्ध करवाया है। वो चौकी 23 गाँव को क्षेत्र है वहाँ पर, और बेहतर पुलिसिंग वहाँ उपलब्ध हो पाएगी नई चौकी निर्माण से और वाहन उपलब्ध होने से, और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जनपद के सभी थानों में पुलिस चौपाल का आयोजन हो, लोगों की समस्या निस्तारण हो और पुलिसिंग बेहतर हो, इसके लिए लगातार हर बुधवार को हमारा ये अभियान जारी रहेगा। चौपाल के दौरान सर जो बीट पुलिसकर्मी है सर उन्हें क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? जी, बीट पुलिसकर्मी चाहे महिला हो या पुरुष, उनको उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है, बताया जा रहा है कि उनको फील्ड में जाना है, जो समस्याएं हैं उनको चेक करना है, जो अपराध होता है, अपराधी होते हैं उन पर निगरानी रखनी है, जो लोगों के मुकदमे हैं उसमें जानकारी करनी है, साथ ही जो चरित्र सत्यापन है, पासपोर्ट सत्यापन इत्यादि, NBW तामिला इत्यादि की कार्यवाही है वो भी BPO के द्वारा करवाई जानी है, ये सभी के बारे में जानकारी की जा रही है और उनसे उनकी बीट बुक भी चेक की जा रही है कि वो कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। बीते दिनों रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के SBI बैंक बुद्ध विहार तारा मंडल के पास कलेक्शन एजेंट के आंख में मिर्ची का पाउडर डालकर 5,28,000 रुपये लूट की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त गोविंद यादव को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर लूट का 10,000 रुपया भी बरामद किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। 16/8/2021 को एक कलेक्शन एजेंट से लूट की वारदात हुई थी, उसके आंखों में मिर्ची का पाउडर डाल के कुछ लोगों ने इसमें लूट किया था। वो अलग अलग जगहों से कलेक्ट करता था पैसे और बैंक में जमा करता था। उसी को अभी पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया गया है और गोविंद यादव नाम है इसका, पुत्र सीताराम यादव, निवासी है सेंदुली बेंदुली डोम्बा ढाला थाना रामगढ़ताल। इसके निशानदेही पे चिड़ियाघर बाउंड्री वॉल के पास से नीम का पेड़ है, उसके नीचे ईंट के नीचे से 10,000 रुपये उसने बरामद कराया है और इसको आगे विधिक कार्रवाई इसकी की जा रही है। ये मुकदमा अपराध संख्या 336/21 है, धारा 392/411 IPC। तो इसके पहले भी जेल जा चुका है? हाँ, इसके पहले भी इस पर लूट के मुकदमे हैं और ये जेल जा चुका है। इसके पहले सर इस मुकदमे में कितने लोग वांछित थे? इस मुकदमे में 4 लोग वांछित थे, इसमें से एक अभी भी फरार है। कोई पुराना अपराधी इतिहास है? इसका अपराधी का इतिहास है। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने की कार्यप्रणाली सुधारने, जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण, अपराध नियंत्रण, कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक बुधवार को जनपद के विभिन्न स्थानों पर पुलिस चौपाल का आयोजन किया जाए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने रामगढ़ताल थाने पर पुलिस चौपाल के तहत फरियादियों, पुलिसकर्मियों, चौकीदारों सहित अन्य लोगों की समस्याओं को सुना, सीधा संवाद किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक नगर ने रामगढ़ताल थाने में CCTNS कार्यालय, थाने का रजिस्टर, थाना परिसर, महिला हेल्प डेस्क इत्यादि का निरीक्षण भी किया।
इस संबंध में श्रीवंत संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, एक नई पहल की गई है कप्तान साहब द्वारा कि चौपाल दिन में लगाया जा रहा है, तो इसका ये फायदा है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं। 12 अभी तक हमें एक घंटे में 12 एप्लीकेशन मिल गए हैं, अलग अलग तरह के मामले हैं वो, और उन पे हमने अलग ही प्रार्थना पत्र रजिस्टर में उसको एंट्री करके अलग कार्रवाई उस पर की जाएगी, उसको उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा, उसको अलग से ट्रैक किया जाएगा। चौपाल से सब कितना मामलों को निस्तारण करने में सब कितनी सहूलियत मिल पाती है? देखिए, चौपाल से क्योंकि जनता स्वयं हमारे पास आ जाती है, अपनी समस्याएं रखती है, वादी संवाद भी होता है जिसमें आईओ भी होता है, वादी भी होता है, तो जो मामले पहले से चल रहे होते हैं उनको भी हम ट्रैक कर पाते हैं, उनको हम पर्यवेक्षण कर पाते हैं अच्छे से, वादी से ही बात कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त जो BPOs हैं उनके साथ मीटिंग की जाएगी, और जो महिला कर्मी हैं उनकी समस्याओं को समझा जाता है, तो चौपाल से काफ़ी मदद मिल रही है, थाना लेवल की मॉनिटरिंग बेटर तरीके से हो पा रही है। NXC भवन सभागार में प्रवक्ताओं व अध्यापकों का सेमिनार आयोजित कर नई शिक्षा नीति के तहत छात्र छात्राओं को शिक्षा देकर और रोजगार परक बनाने के लिए चर्चा की गई, जिसमें जनपद के विद्यालयों के अध्यापकों व विषय विशेषज्ञों द्वारा आए हुए अध्यापकों को ट्रेनिंग देकर उन्हें विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई। मनी ट्रेनर ने सभी अध्यापकों से कहा कि अपने अपने विद्यालयों में छात्र और छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के संबंध में जानकारी दें। इस दौरान BSA रामेंद्र सिंह, समन्वयक विवेक जायसवाल सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी मौजूद रहे और बच्चों को साथ में सिखाते चले, बस यही भाव है। और ये उनका कार्यक्रम है, उनकी सी कांग्रेस है, उसके तहत जैसे कि कुछ विषय है, कुछ विषय है करें और डेटा कलेक्ट करने के बाद फिर उनका एनालिसिस भी करें, तो उसने बताया कि यही जेट प्रबंधन है, यही जो है क्रिया प्रक्रिया का नियम है। प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर चौरी चौरा विधायिका संगीता यादव ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी और कहा कि प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा है। विकास उत्तर प्रदेश का हो सकता था, उससे ज़्यादा कहीं किया गया। कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए भी विकास कार्यों को बहुत ज़्यादा प्रभावित, कोरोना जैसी महामारी भी कर नहीं पाई। और मैं आपको बता दूँ, अगर मैं अपनी विधानसभा की बात करूँगी तो इन 4.5 सालों में निबिहावा ढाला और करमहा में 2 फ्लाईओवर बने हैं, मुंडेरा बाजार में और अमहिया में 2 हमारे विद्युत उपकेंद्र लगे हैं, 1 मिनी स्टेडियम बनाया है, अभी काम उसका चल रहा है। मिनी स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मिला है। दोनों तहसील को हमारे लगातार सबसे पहली बार अपनी तहसील को दोनों को मुख्यालय से जोड़ा गया है। मोतीराम अड्डा से लेकर बोहाबार तक चौड़ीकरण का काम किया गया और अनगिनत रोड बनाएगी, रोड के ऊपर तो बोलना मुश्किल है। और मैं आपको बताऊं, सबसे अच्छा जो काम हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, रोजगार मेला जो हमने लगवाया था उसकी बड़ी अच्छी उपलब्धि रही हमारे यहाँ युवाओं के रोजगार के ऊपर। और मैं आपको बताऊं, इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भी कभी भी कोई काम विधानसभा में लेके जाइए तुरंत हो जाता है। अभी देखिए, सिंचाई विभाग से इस कोरोना काल में भी 18.5 करोड़ का काम पिछले साल मिला है और कई जगह रेगुलेटर का काम हुआ, एक दूसरे का काम और होना बाकी भी है और लगातार आशीर्वाद उनका मिल रहा है। मैं तो अपने विधानसभा के अलावा मैं गोरखपुर की कायाकल्प को आप लोग देखिए, एम्स है, फर्टिलाइजर है, रामगढ़ ताल है, हम मंदिरों का देखिए जीर्णोद्धार, हमारा मोती मंदिर भी है उसमें एक उदाहरण के तौर पर है, एक अच्छा सा प्रयास किया है सुशासन देने का महाराज जी ने। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के उपलक्ष में आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत बुधवार को दीनदयाल जी के विचारों को साकार करती सरकारें
विषय गोष्ठी का आयोजन संवाद भवन में किया गया। इसमें मुख्य अतिथि आचार्य शांतनु जी महाराज सहित अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया। वहीं आभार ज्ञापन प्रोफेसर एस के सिंह और संचालन डॉक्टर पवन कुमार ने किया। संविधान के निर्माण का भी हमको दर्शन करना पड़ा जिस संविधान में भारत की जिद का अभाव दिखाई दिया। जो वर्धा प्रस्ताव आता है वो गांव कैसे खारिज कर दिया जाता है। 1944 में महात्मा गांधी द्वारा दिया बधुआ संविधान का मजबूत इंडिया जैसी भारत को उच्चारण करना होता है, जिस पर हस्ताक्षर करते हुए देश के प्रथम राष्ट्रपति ने कहा कि कोई राजनीतिक संगठन भी खड़ा होना चाहिए। कलकत्ते के अधिवेशन में और श्याम प्रसाद मुखर्जी कहना था कि भारत का पुनर्निर्माण करना है, क्योंकि यह क्यों फेंका जा रहा है, राजनीति में आप प्रशंसा और निंदा है। जनपद में एडीजी जोन के निर्देश के क्रम में जनपद पुलिस लगातार बीट प्रणाली को और बेहतर से बेहतर बनाए रखने के लिए उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही है। इसी क्रम में खोराबर थाने पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी कैंट राहुल भाटी ने पुरुष एवं महिला आरक्षियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्हें जागरूक किया। वहीं महिलाओं की रक्षा और उन्हें जागरूक करने के दिशा निर्देश भी दिए। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट राहुल भाटी ने बताया, एडीजी साहब के निर्देशानुसार नई बीट प्रणाली का, बीट प्रणाली पहले से थी लेकिन उसको एक नया वो आयाम देने के लिए एक नई प्रणाली की व्यवस्था की गई है एडीजी सर के द्वारा। उसके अंतर्गत पुनर्विभाजन किया गया है, जो पहले से बीट बटी हुई थी तो थाना खोराबार में 20 बीट बनी है, तो उन बीट के जो आरक्षी हैं और महिला आरक्षी हैं दोनों को जो उनका जॉब कार्ड है, जो उनके कर्तव्य हैं उनके बारे में अवगत कराया गया है, उनकी बीट पुस्तिका को देखा गया है और अन्य जानकारियां दी गई है, उनको किस तरह से अपने क्षेत्र में जाके अपराधियों का सत्यापन करना है। अगर कोई उनको शांति भंग की सूचना मिल रही है, आपराधिक सूचना मिल रही तो आपराधिक बीट और शांति भंग व्यवस्था की बीट किस तरह से अंकित करनी है, विलेज क्राइम रजिस्टर में कितने भाग होते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई, विलेज क्राइम रजिस्टर की क्या भूमिका है अपराध नियंत्रण में और लॉ एंड ऑर्डर में, उसकी जानकारी उनको दी गई कि उससे किस तरह से वो उसका उपयोग करके अपराध नियंत्रण में सहायता कर सकते। जनपद को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में बुधवार को जनपद के विभिन्न 36 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जहाँ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज हमारे जिले में 36 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है और अमूमन हमारा लक्ष्य जो है 37,000 का होता है, लेकिन आज क्योंकि RI सेशन भी चल रहा है जिसकी वजह से हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन भी चल रहा है और तो इसीलिए थोड़ी जगहों पर ही हमारा वैक्सीनेशन हुआ है। जो बड़े बड़े हमारे सेंटर हैं वहाँ पर हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कुछ स्पेशल बूथ भी लगाए गए हैं और कुछ हमारे महिला स्पेशल बूथ चल रहे, दो हमारे महिला स्पेशल बूथ चल रहे हैं, दो अभिभावक स्पेशल बूथ चल रहे हैं, तो इस तरह से 36 जगहों पर हमारा वैक्सीनेशन चल रहा है।
विदेश जाने वाले लोगों के लिए, विदेश जाने वालों के जिला अस्पताल में MRI सेक्शन में एक बूथ बनाया गया है। वहाँ पर जो भी विदेश जाने वाले हैं, चूँकि कोवैक्सीन के लिए एक महीने का है, 28 से एक महीने का होता है, तो रूटीन ही लग जाता है। लेकिन कोविशील्ड के लिए जो 84 दिन का समय है, उसके पहले भी अगर कोई जाना चाहता है, विदेश जाना चाहता है, तो अपने वैलिड कार्ड दिखाए, अपना रीजन दिखाए, उसके बाद उनका वैक्सीनेशन हो जाता है और कार्ड जनरेट हो जाता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने सहजनवा थाना अंतर्गत 6 माह से अधिक लंबित पड़े हुए विवेचनाओं की संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर विवेचना कर रहे कर्मचारियों को त्वरित गति से निष्पक्ष विवेचना करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में प्रत्येक बुधवार को जनपद में लगाए जाने वाले पुलिस चौपाल के तहत पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने पिपराइच थाने पर पुलिस चौपाल कार्यक्रम के तहत चौकीदार, पुलिस कर्मियों व फरियादियों से सीधा संवाद किया। वहीं थाना क्षेत्र का भ्रमण कर थाने की कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए निर्देशित किया। आप लोगों का बड़ा जिम्मेदारी वाला काम है, तो सबसे ज्यादा सूचना किसने दिया है? सर, हम तो राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के बैनर तले गोरखपुर क्षेत्र के समस्त अवर अभियंता प्रोन्नत अभियंताओं ने आंदोलन के चौथे चरण का 2 दिवसीय क्रमिक उपवास अनशन के दूसरे दिन सत्याग्रह पूरे जोश के साथ मुख्य अभियंता कार्यालय पर किया। वहीं अभियंताओं ने अपनी जायज मांगों को प्रदेश सरकार व संबंधित अधिकारियों से जल्द लागू किए जाने की मांग की। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए इंजीनियर महेंद्र नाथ भारती ने बताया, हम लोगों की ये 18 सूत्री मांगे हैं, मांगे और समस्याएं दोनों हैं। विभाग को बेहतरी के लिए आवश्यक संसाधन जो नहीं मिल रहा है, और ये विभाग चलाने के लिए जो मूलभूत आवश्यक था, लाइन मेंटेन करने के लिए, सब स्टेशन मेंटेन करने के लिए जो सामग्रियाँ उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं उपलब्ध हो पा रहा, वो समस्याओं को रखने के लिए इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑफिस के फर्नीचर तक भी जो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, उस डिमांड को लेकर के, और जो वेतन विसंगति हैं और वरिष्ठता के निर्धारण में जो विसंगति की गई है, जो छलावा किया जा रहा है इस संवर्ग के साथ, जो राज्य विद्युत परिषद जूनियर संगठन का बैनर है, इस संवर्ग के साथ जो छलावा किया जा रहा है, उसके विरोध में ये कंटिन्यूस 48 घंटे का अनशन सत्याग्रह कार्यक्रम ये चल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मुख्य द्वार पर विगत 2 दिनों से धरनारत छात्र नेताओं ने छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर आंदोलन और उग्र कर दिया है। छात्र नेताओं ने यह मांग की है कि यदि छात्र संघ की बहाली नहीं की जाती और समय से चुनाव नहीं कराया जाता, तो हम छात्र हित में निरंतर धरनारत रहेंगे। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए विश्वविद्यालय के छात्र नेता नीतेश मिश्रा ने बताया, देखिए हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में शासन चुनाव को लेकर हम लोग विगत 2 दिनों से सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं, और यहाँ तक अभी तक विश्वविद्यालय का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, कुलपत का कोई भी देख रेख करने वाला अधिकारी यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्रों का हाल चाल भी नहीं आया, और छात्र अधिकारों के लिए हम लोग विगत ऐसे ही धरना देते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दृष्टिगत जिलाधिकारी व SSP ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत भारतीय संस्कृति एवं गौ सेवा संगोष्ठी पर वक्ताओं ने व्यक्त किए विचार। मंडलायुक्त ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ की मंडलीय समीक्षा बैठक। एक दिवसीय किसान प्रोत्साहन कार्यशाला का उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने किया उद्घाटन। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी ने बेरोजगारों के लिए लगाए जा रहे मेगा कैंप की तैयारियों के संबंध में की समीक्षा बैठक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जंघा थाने पर पुलिस चौपाल अभियान के तहत जनता चौकीदार व अन्य फरियादियों की सुनी समस्याएं। कलेक्शन एजेंट के आंख में मिर्ची डालकर 5,28,000 लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक नगर ने रामगढ़ताल थाने पर लगाई चौपाल, पीड़ितों पुलिसकर्मियों सहित अन्य लोगों से किया सीधा संवाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती के उपलक्ष में संवाद भवन में आयोजित हुआ 4 दिवसीय संगोष्ठी कार्यक्रम। क्षेत्राधिकारी कैंट ने दी जानकारी, कहा बीट पुलिसिंग को और बेहतर कार्य करने के लिए खोराबार थाने पर महिला व पुरुष आरक्षियों को किया जाएगा जागरूक। छात्र छात्राओं को रोजगार पर शिक्षा देने के लिए प्रवक्ताओं व अध्यापकों का एक दिवसीय सेमिनार का किया गया आयोजन। चौरी चौरा विधायिका ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाया। सीएमओ ने भी जानकारी, कहा जनपद को वैश्विक महामारी से मुक्त बनाए रखने के लिए विभिन्न 36 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने लंबित विवेचनाओं को जल्द निस्तारण करने के लिए दिए निर्देश। एसपी नॉर्थ ने पिपराइच थाने पर लगाया चौपाल, फरियादियों की सुनी समस्याएं। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के बैनर तले मुख्य अभियंता कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया उपवास अनशन। और छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर किया धरना प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।